तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डिटेक्टिव सत्यम चैनल में। दोस्तों, मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो ला रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स मिलेगी MIUI 10 में जो आप जानते नहीं होंगे। कुछ ऐसे हिडन फीचर्स हैं जो आपको पता ही नहीं होगा कि आपके MIUI 10 में काम करते हैं, लेकिन आप यूज ही नहीं करते। उसमें से मैं आपको झलक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एरो को मैं ऐसे दबाता हूँ, देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मैं स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकता हूँ। तो बस ये थी झलक, और देखते जाइए, इस पूरे वीडियो में आपको मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। तो वीडियो एंड। तो दोस्तों, पहला सेटिंग निकल के आती है कॉलिंग पियानो के बारे में। जैसे कि आप इसे टाइप करते हैं तो ऐसी ही आवाज़ आती है, लेकिन जब मैं सेटिंग ऐसी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पियानो की आवाज़ निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये 3 लेयर दिख रही है, इस पर जाइए। फिर आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, नीचे आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसमें जाइए। फिर ऊपर देख सकते हैं डायल पेड टच टोन्स, इस पर क्रिएट डिफॉल्ट सेट है। फिर टोन्स पे जाइए, और फिर आपको नीचे एक पियानो कीज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। बस अब देखिए क्या होता है। अब मैं टाइप करूँगा तो कैसी आवाज़ आएगी आप सुनिएगा। तो देख सकते हैं आप दोस्तों। तो नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो फिर आपको ये 3 लाइन दिख रही है, इसमें जाना है। उसके बाद आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स दिख रही होगी, इसमें चले जाना है। उसके बाद देख रहे हैं, आपको ये ऑप्शन इनेबल नहीं होगा, आपको इनेबल कर देना है। जैसे कभी कभी होता है कि फ़ोन आता है अचानक बहुत तेज रिंग टोन आने लगती है, तो हम घबरा जाते हैं। इससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे आपकी आवाज़ बढ़ेगी फ़ोन की। और एक और इसी में सेटिंग में आपको बता देता हूँ, जब इनकमिंग कॉल सेटिंग में जाएंगे तो ये नीचे आपको दिख रहा है फ्लैश में रिंगिंग, यानी जब इसको इनेबल कर देंगे तो फ़ोन आएगा तो आपके ये पीछे मोबाइल जो फ्लैश होता है वो ब्लिंक करेगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद अगली सेटिंग की तरफ हम चलते हैं। तो अगली सेटिंग की तरफ चलते हैं। तो आपको सबसे पहले ऊपर सेटिंग में जाना पड़ेगा ऐसे करके, फिर आपको नीचे करते हुए एडिशनल सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा 100 मोड में। इससे क्या होता है गाइस, जब हम कभी कदा अपने मोबाइल को एक हाथ से पकड़े हुए रहते हैं तब हमें दोनों एक हाथ से पकड़ के मोबाइल चलाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए ये MI में फीचर है 100 मोड। तो बस सिंपली आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद इसको यूज कैसे करना है ये आपको दिखा रहा है, ऐसे करना मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये ऐसे था नॉर्मल स्क्रीन में, बस आपको ऐसे करके स्लाइड कर देना है। तो देख लीजिए ये 100 मोड में चला गया। आप ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं गाइस, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसको चाहे आप हटा भी सकते हैं, तो सिंपली ये काली जगह है यहीं एक बार टैप कर देना है जिससे हट जाएगा। आप चाहें तो इस साइड से भी 100 मोड का यूज कर सकते हैं, या फिर इसको फिर से मैं हटा देता हूँ, फिर इस साइड दबा के भी 100 मोड को यूज किया जा सकता है, देख सकते हैं आप। ये थे काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स, और मैं आपको फीचर्स बताता हूँ, तो नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट फीचर की तरफ मैं चलता हूँ। उसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना होगा। फिर आपको किक बॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, किक बॉल के ऑप्शन पर जाना है और इसे इनेबल कर देना है। और आपको यहाँ पर इनेबल करने के बाद ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ये आपको एक तरह का शॉर्टकट है, जैसे कि आपको बैक करना है तो ये दबा दीजिए, बैक हो जाएगा। या फिर आपको जैसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ये दबा दीजिए तो आपके मोबाइल की स्क्रीनशॉट खींच जाएगी। इस तरह आप बंद भी कर सकते हैं। या फिर आपको अपने मोबाइल को इस तरह होम पे जाना है तो ये दबा देंगे तो होम पे पहुंच जाएंगे। या फिर आपको मल्टीटास्किंग ओपन करना है तो ये दबा दीजिए, मल्टीटास्किंग ओपन हो जाएगा। ये पहले सैमसंग के स्मार्टफोन में फीचर्स था, अब इसमें आ गया। चाहे तो बिना बटन दबाए मोबाइल को ऑफ कर सकते हैं ये लॉक स्क्रीन दबा के, जैसा कि आप ये काफ़ी अच्छे फीचर्स को यूज कर पाएंगे आप। और नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फीचर्स की तरफ चलते हैं कि डार्क मोड कैसे इनेबल करें। स्क्रीन ब्लैक पूरी तरह से, जैसे ब्लैक कैसे करना है तो सिंपली आपको सेटिंग में आ जाना है, फिर आपको ये डिस्प्ले का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ आ जाना है, फिर ये डार्क मोड ऐसे बंद होगा जैसे कि मोबाइल ऐसे रहता है, आपको डार्क मोड पे दबा देना है। डार्क मोड इनेबल करने से आपकी आंख पर स्ट्रेन कम पड़ेगा, जिससे आप आसानी से मोबाइल यूज कर सकेंगे।
नेक्स्ट फीचर के लिए आपको अबाउट फोन में जाना होगा, फिर डबल प्रॉपर ऑप्शन को इनेबल करने के लिए MIUI वर्जन को टैप करना होगा। इसके बाद आपको सीधे जाना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए यहाँ आपको मिलेगी एडिशनल सेटिंग, उसके बाद आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में। उसके बाद आपको यहाँ काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। जब आप टर्न ऑन वाईफाई एक्सटेंशन कर देंगे तो इससे ये होगा कि जब आप किसी के मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट होंगे तो उससे अच्छा सिग्नल रिसीव करेगा, और जब आप किसी और वाईफाई को कनेक्ट किए होंगे जो बाहर लगे रहते हैं फ्री वाईफाई, तो उससे अच्छा सिग्नल रिसीव करेगा, जिससे आपके इंटरनेट चलाने का अनुभव बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट सेटिंग के लिए आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, फिर आपको शो टैप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर देना। आप जब भी अपने मोबाइल को टच करेंगे तो देख रहे होंगे गोल गोल दिखने को मिल रहा होगा। तो अगली एनिमेशन के लिए या अपने मोबाइल को तेज करने के लिए जो विंडोज एनिमेशन ट्रांजिशन एनिमेशन एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल को 0.5 पे कर देना है, जिससे आपका मोबाइल काफी तेज रन करेगा। लेकिन वो असल में ऐसा होता है कि एनिमेशन नहीं होता, इसलिए आपको लगता है कि स्मार्टफोन तेज रन करता है, बल्कि वैसे ही काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको इसी ऑप्शन में मिलता है, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, यहाँ पे आपको टर्न ऑन MIUI ऑप्टिमाइजेशन दिखेगा, आप इस तरह डिसेबल होगा, आपको इनेबल कर देना है, इससे आपको मोबाइल में काफी अच्छे एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। इसे इसी के नीचे नोटिफाई अबाउट हाई रिस्क फीचर्स को भी इनेबल कर देना है, आपके मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए मैंने बता दिया। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी सेटिंग पसंद आई हो जो आपके लिए यूजफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरह MIUI और अन्य OS के बारे में फीचर्स डालता रहता हूँ, जो ऐसे हिडन फीचर्स होते हैं जो आपको काफी फायदा करेंगे डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो बस यही था इसी वीडियो में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।